चावल सर इसमें पड़ा हुआ। अरे बाप रे बाप, ऐसा खाना तो अगर आप किसी को परोस भी देंगे तो ये मेरी नजरों में मेरी ओर से अपराध होगा। फटाफट डालोगे शटर। कौन बनाते हैं खाना? कौन बनाते हैं खाना? अंदर खाना बहुत अच्छा है। अंदर अंदर बहुत अच्छा है। ये क्या करना है जुबार जी? ये क्या है भाई? इधर आइए। ऐसे कौन सब्जी देता है? कौन सा तरीका है सब्जी देने का? कौन है शेफ? लो जरूर लो। सही कर रहा है, गंदा है बहुत सर। उनका एक बगल में सर बहुत ही गंदा है। एक और है जी सर, दो तीन नजर इसको भी देखते हैं जी सर। ये क्या? नुस्खा नुस्खा सर दाल नुस्खा सर दाल सर साहब को बुलाओ। साहब को बाथरूम भेज रहा है सर। ना बाथरूम गया, आ गया। ताला लगा दूंगा दुकान, जल्दी बुलाओ सर, जल्दी तुरंत। क्या है भाई जो अपने आप फेंका हुआ नीचे? क्या है? इंडियन वाले शेफ को पता होगा। आज शेफ को पता होगा ये कौन सा तरीका है भी खाना रखने का, और ये कौन सा तरीका है खाना रखने का? तुम पहली बार देख रहे हो टोकरी में ऐसी सब्जी खुले में? कौन बनाता है सब्जी इतनी गंदी टोकरी में? पब्लिक खाएगी इसको। और ये दाल कब की रखी हुई है राहुल? ग्रेवी खाना रखने का तरीके सब्जी ऐसे कौन देता है सब्जी? ये क्या है, कब से बना रखा है जी? तो आप लोग पब्लिक को खाना दे रहे हो, सेवा भाव से खिलाओगे? कुछ भी कबाड़ खिलाओगे पब्लिक को? उसको निकाल के जरा उस पतीली में। क्या है ये? इसको कौन खुला छोड़ता है ऐसी चीजों का? आप कह रहे हैं व्हाइट ग्रेवी है, इसे तो खा के मर जाएगा भाई। व्हाइट ग्रेवी भी खुली है आपकी, ये भी खुली। उसको रखिए जरा उस पतीले को, ये यहाँ रखिए इस पतीले। ये कौन सा तरीका है खाना रखने का? और यह पब्लिक को खिलाओगे नहीं तक? किसका है ये? किसका है बताओ, नाम बताओ। जरा उसको निकाल के, ये क्या है खुला? ये यहाँ रखिए जरा इसे, मक्खन को भी रखिए। कैसा मक्खन है? कौन रखता है मक्खन को ऐसे? या तो फ्रिज में रहेगा या पैकेट में रहेगा। जब निकालना होगा आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक नहीं आया खाना बनाने वाला? नहीं, इनका तो कम से कम चलान बहुत तगड़ा कराना पड़ेगा, ये गलत बात है ना। और इधर आइए आप जरा, ये निकालिए इस पन्नी में से। क्या निकालता है? पन्नी खोलिए जरा, इस पन्नी में खोलो। खोलिए साहब, आ गए। आप खाना बनाते हैं? यस सर। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सब्जी कौन बनाता है? प्लास्टिक की मैली टोकरी में ऐसी सब्जी तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। सॉरी सर। कोई ऐसे मक्खन भी रखता है? कोई ऐसी भी सब्जी बनाता है? और क्या है सर, निकालिएगा ऐसे? बैगन है सर। निकालिएगा, खोलिएगा बैगन को। कॉकरोच, कॉकरोच भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये साफ सफाई कैसी हो रही है? और ये आपने जो ग्रेवी बनाई है सर, कब की है और क्या ऐसी खुली रहती है? सर हमने सर कल की गर्म करने रखी। कल की है तो कल की ग्रेवी गर्म करके आज खिलाएंगे आप लोग? एक दिन पुरानी ग्रेवी आपको होटल में खिला रहे? शाम को सर तो बनाते हैं। ये तो और भी पुरानी है। नहीं सर, शाम को बनाते, शाम को बनाते हैं, खुला ही छोड़ दे, ढकते भी नहीं। ये भी शाम को बनाते हैं, ढकते भी नहीं। और ये तो खैर आपने अभी बनाया, इसमें तो शाम का बहाना भी आप नहीं बना सकते।
और टोकरी में डाल देते हैं सब्जी और ये पब्लिक खाएगी। इस कटोरी पतीली को निकालिएगा सर। यहाँ रखिएगा इसे। क्या है ये और कब का है? दाल है सर। दाल मखनी? यस। कब बनाई? कल ही बनाई थी सर। फ्रिज में नहीं रखे? फ्रिज से निकाल के रखे सर। कब रखने का फ्रिज में? अभी। अब ये खाना पब्लिक को थोड़ी देर में परोसोगे मतलब? सर नेक्स्ट टाइम पब्लिक ये ग्रेवी खाएगी। आपकी इतनी गलती नहीं जितने आपके मालिक की। जरा उस पतीली को निकालिएगा। क्या है? चौक मसाला है सर। यहाँ रखिए। कौन सा मसाला है? चौक। चौक मसाला? यस। ये भी खुला। कॉकरोच तो खैर आपके आनंद से घूम ही रहे। ढक्कन भी किसी चीज में नहीं। सभी कुछ नहीं। कुछ भी तो आपने ढक्के नहीं रखा है। ऐसी सफाई आप लाएंगे पकड़े? इनका चलान पहले नहीं हुआ संजय क्या? सर इनका हुआ है सर पहले। बड़ा चलान होना चाहिए। इसको निकालिए। इस पन्नी ने क्या क्या है? तो इसमें सोडा वगैरह कुछ? ये कौन सा तरीका है यार सोडा रखने का, ये बताओ आप। ये प्लास्टिक का अपने पन्नी में फेंका हुआ है सोडे को। आप एक छोटा सा ये तो खरीद ही सकते हैं। आपके मालिक आपकी तो इतनी गलती भी नहीं। उनके मालिक का चलान कराते हैं। हैवी चलान करना पड़ेगा आपके मालिक का। बहुत ही हैवी। अगर आप ऐसा खाना पब्लिक को खिला देंगे जी सर, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। एक टूरिस्ट या पब्लिक कोई भी ऐसा इंसान। ये क्या है? कौन बता पाएगा मुझे ये क्या? बारह नंबर उसको बुलाना। दूसरा प्रॉब्लम ये क्या है आपका? वो जो पास पड़ा है अपने कमरा जी सर, फेंकना फेंकना नहीं है परोसना है। आ गए इसलिए फेंकना बोल रहे। इसको कभी साफ करते हैं आप? बहुत साफ होता है। इसको तो सील ही करना पड़ेगा अभी। इसका खाना तो नहीं खिला सकते। क्या चीज है? क्या पेस्ट है? कब से बना? क्या है भैया? ये सब पेस्ट है। किसका पेस्ट है? किस चीज का बेटा पेस्ट है? अदरक लहसुन का पेस्ट। आप ऐसे छोड़ दे रहे हैं? उस देगची के नीचे वाला भी भरा हुआ है। हटाइए उस देगची को। ये सर बहुत ही गंदा चावल, गंदा चावल सर इसमें पड़ा हुआ। अरे बाप रे बाप। थैंक यू यार। यार इस टाइम पे ध्यान रखिए। आइए सब लोग बाहर आइए। सब लोग बाहर आइए। सब लोग बाहर आइए। सब लोग बाहर आइए। अभी इस पे फिलहाल ताला लगवा दो। जब फूड सेफ्टी ऑफिसर आएंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर आके ताला खोल देंगे और चलान के लिए सभी सब कुछ मिटा देंगे। तब तक के लिए बैंड बंद कर दो। ऐसा खाना तो अगर आप किसी को परोस भी देंगे तो ये मेरी नजरों में मेरी ओर से अपराध होगा। अगर मैं किसी को खाने देना नहीं, वो नहीं। अभी आप नैनीताल आइए और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है नैनीताल बार के नाम से, उसमें मैं फिलहाल ताला लगवा रहा हूँ। क्योंकि उसका खाना अगर कोई खा भी ले गलती से भी तो वो हॉस्पिटलाइज तो होगा ही। उसको चेक करिए। ताला चाबी तहसीलदार साहब से ले लीजिएगा। इसके मालिक को बुलवा लीजिएगा। अधिक से अधिक पेनल्टी हो सकती है। अधिक से अधिक वो उन पे डालिए ताकि कोई पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़ ना करे। पर आपके पास ताला है सर? मंगवा ताले तो तहसीलदार एसडीएम को हमेशा गाड़ी में रख रहे हैं। सारा सर पब्लिक हेल्थ यार आया कि मैं उसको छोड़ दो। आप यहाँ पे रहे भी सामान ना छेड़छाड़। इधर फटाफट डालो भी शटर नीचे। इतना टाइम तो लग रहा है। शटर गिराओ। बहुत बढ़िया। ताला इन्हीं का ताला लगा के चाबी नीचे ले दो। ऐसा खाना तो यार आपने देखा कभी? ऐसा खाना संजय अभी आएंगे फूड इंस्पेक्टर, उनसे इनका हैवी चलान करवाइए। बहुत गलत बात है कि ऐसा खाना हम दे रहे हैं। नैनीताल सिटी का मैं इंस्पेक्शन कर रहा था। मेनली मैं साफ सफाई देखने के लिए निकला था कि आप ये जानते हैं कि पूर्व में भी सभी डीएम्स को मैंने निर्देश दिए हैं। इनफैक्ट
जो डीएम्स को इस बार रिव्यू किया जा रहा है शासन स्तर पे, हमारे स्तर पे, उसमें 30 पॉइंट्स बनाए गए हैं। उसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि जो खाने पीने का सामान है उसमें कहीं कोई मिलावट, गंदगी, पब्लिक हेल्थ के मुद्दे ना। रेस्टोरेंट देखा गया, रेस्टोरेंट में कई तरह की कमियां थी, बहुत पुराना खाना, खुला खाना, खाने में कॉकरोच और बासी खाना, जो पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा हैजर्ड है। तो उसको मौके पे बंद कर दिया और फूड एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है, जो विभाग देखता है, फूड सेफ्टी देखता है, उनसे कहा गया वो आके देखें, स्वयं देखें, और जो अधिक से अधिक इसमें पेनल्टी होती है, लीगल प्रोविजन है उसके तहत काम करें।